हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा भवन ओडिया द एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो दशम श्रेणी पिलांको साहित्य पई जो SA1 एग्जाम आसिया को जाउछ हमर ये वर्ष, तो ता पई किछि 50 एमसीक्यू क्वेश्चन गुडा को आलोचना करिया जार पूर्ण मार्क हम रहिछ हमर 50 एवं या को हमें 1 घंटा रे सारिया को पडुछ। ओके, तो जो एग्जाम भी हबो सेडा हमर एमसीक्यू कंडक्ट करिवो सब जको। ओके, एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन जको पडिवो द एडा ऑब्जेक्टिव जेहेतु। ओके, सब्जेक्ट सारा अलग पार्ट अच्छे जोड़ा कि आम किसी लिखा पड़ो, कि एमसीक्यू गुड़ाक खाली गोल लाइक पड़ो रईट आंसर देखी देखी ना कि। तो देखो जी आम 50 क्वेश्चन ये भिडियो सार सेट सी। तो या आगे मोर दुई दुईट सेट जाए जो मैंने चैनल में नुआ अच्छा प्ले लिस्ट को देखिपारे, आज जो चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर अल नोटिफिकेशन को अन कर दिंतु। से एक नंबर पचारा जे कनकलता उपन्यास कहार कृति, कनकलता एक उपन्यास यार लेखक किए, माने कृति अर्थ कौन ना बस सृष्टि ना कि किए लिखी से कहया कथा। तो यार लेखक होती आमर नंदकिशोर बड़, ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। दुई नंबर अरण्य फसल नाटक रचयिता किए, ये भी एक नाटक अगे अरण्य फसल, तो यार लेखक किए से कौन, यार लेखक होती मनोरंजन दास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट किचक बोध काव्यर स्रष्टा किए, से सेम क्वेश्चन लेखक किए रचयिता किए कहार कृति, जो एमती पचारे तीन तीन टी क्वेश्चन रो मीनिंग से आज किए लिखी। ओके, किचक बोध ना किए लिखी ना से हूँ गंगाधर मेहर एक सृष्टि। अर्ध शताब्दीर ओडिशा ओ तहीं मो स्थान आत्मचरित्र लेखक किए, ये हूँ बायोग्राफी जोड़ा कि अर्ध शताब्दीर ओडिशा तहीं मो स्थान, ये हूँ एक एमती जेन्युइन क्वेश्चन टा जोड़ा कि सबू एग्जाम आसी था। एग्जाम बोले दशम एग्जाम कथा मुझे कहूनी जे आपण प्लस टू पर या प्लस थ्रू प्लस थ्री पर जितकि भी कम्पिटेटिव एग्जाम देवे ए क्वेश्चन को कौटी ना कौटी आपड़ देखा पाए। तो यहाँ हूँ एक जीके रिलेटेड क्वेश्चन टा। ओके, तो मन रखा पड़ो यटा को। तो यार आंसर हूँ गोदावरीश मिश्र। ओके, ये हूँ गोदावरीश मिश्र एक आत्मचरित बोले कौन कि बायोग्राफी। पाँच नंबर दीन दुखी सेवा करार कामन आपण हृदय प्रज्वलित हो थाउ स्वामीजी यह कहाँ पाखकु अमेरिका रे थाई लेखी थिले, एडा होची महेश्वर रो महाराजा। कहीं ये जो अमेरिका पठेबारे ना कि महेश्वर राजा बहुत बड़ हाथ, कहीं सीए मत कि फंड साहय करके। ओके, हाँ हाँ, नेक्स्ट रहा छ नंबर दक्षिण रे विभिन्न तीर्थ भ्रमण करी स्वामीजी केउठारे पहुँचिले, केउठारे पहुँचिले केउठारे ना रामेश्वरम ना कि रामेश्वर मंदिर पहुँचिले तार कन्याकुमारी नुह कि। भारतर शेष भूखंड निकट को स्वामीजी कहीं पहरी पहरी जाइले इड़ा कहीं किसी पैसा नाला ना कि, से ऑप्शन ए हूँ यार राइट आंसर। नेक्स्ट अष्ट पाटवंशी कहले कौन बुझाए, अष्ट माने आमर जन्मभूमि पाठ रही नुह कि श्रीकृष्ण टॉपिक को लेकिन आमर ये किसी कहुई जे ये हूँ कौन अष्ट पाठ वंशी अर्थ कौन ना श्रीकृष्ण अष्ट पत्नी आठ पत्नी को ये बुझाऊँ। के संबंध में पल्लीग्राम बहु कल्पना जल्पना चले, को मान विषय चले ना जो मैंने उत्तम कृषि कार्य करती कि नाई नाई ना जो मैंने भल पाठ पढ़ी था से मानक। ओके, कौन देखिए ऑप्शन सी देखूँ जो मैंने भाग्य अर्थ एवं शिक्षार उद्यमान हूँ तर्थ जो मैंने भल पाठ पढ़ी था ना छोट बलू टे उज्ज्वल भविष्य संभावना थाए से विषय में प्रत्येक गाँव में चल था कथा ना कि कौन हम कौन ना दुनिया कथा सब। नेक्स्ट स्वार्थपर विभेद कर्म और क्लेश सत्वे ग्रामवासी भितर के भाव आपे आपे जात होइथाए ना एक परिवार तो नु कि जो जी आप समाज बिलंगस कर गाँव गाँव रू दे आप जानवे जदि जन पर कौन पर्व आसे दे समस्त से कथा कही इनभैट कर आसब टे जोड़ा कि सहर देखा मिले ना। दैट मीन्स कौन आम पर होगी तुम्हें भी कम पर सदस्य ना कि, तो सेमती एक मनोभाव को आम कौन एक पर। ओके, एगार नंबर राघव लंका जत्रानुकूल कवितार कवि क्यों राजवंश जन्मग्रहण करते, क्यों राजवंश से घुमुस राजवंश। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। पठित कविता अनुसार सठिक पदटी केउठी, अच्छा प्रहारिला व्यामे तल वज्राघात सम, अच्छा यहाँ हूँ आम कौ पाठर भीम सिंहनाद रड़ी ना कि ना कौटा, तो कौन हूँ यहाँ बार नंबर पचार आमको सम सम किंतु लग समतल निहाती लगे समतल किंतु वज्राघात समतल पर यहाँ ऑप्शन सी हूँ यार राइट आंसर। नेक्स्ट जीवा
କେଉଁଠି କେଁ କେଁ ଭଳି ଧନାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା କେଁ କେଁ ମେ ମେ ଠେ ଠେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ କି ତ କେଉଁଟା ନାହିଁ କହିଲା ଠ ଠ ଏଇଟା ଠ ଠ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଓଁକାର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସବୁଠି ଲାଗିଛି ତିନି ତିନିଟା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲାଗିନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କାହିଁକିନା ଏ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୀତକୁ କାହିଁକି ଗୀତାମୃତ କୁହାଯାଇଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ନାଇଁ କି କାହିଁକି ଗୀତାମୃତ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଇଏ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ମଧୁର ହେତୁ ଏହାକୁ ଗୀତାମୃତ ଗୀତ ଅମୃତ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାମୃତ କୁହାଯାଇଛି ଓକେ ପନ୍ଦର ମିଶାଲର ଲେଲିହୀନ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ଜଳୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହେ ନା ମସଲା ଆପଣ ଭାବିନେବେ ଇଏ ମନେକର ଜଳୁଛି ତ ଏହାକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବର୍ତ୍ତ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ସେ ଭଲ ଉଜ୍ଜଳ ବା ଆକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତା ଯିଏ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ସିଏ ମରିବ ନୁହଁ କି ମାଛମାନେ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଆକର୍ଷଣରେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଇ ମାନେ ଡେଇଁକି ନିଜର ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଦୁଃଖ ଦଡ଼ିମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦଡ଼ିମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ ନାଇଁ କ'ଣ ତବଳା ଟିକିଏ ଶକ୍ତି ଦିଏ ବୋଲିକି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଠି ନା ଆମର ସର୍ବସହଣୀ ମାଟିରେ ନାଇଁ ଦେନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଝଞ୍ଜାଳ ସହିବାକୁ ନାଇଁ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସର ଅର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ତା ଅର୍ଥ କଷାୟ ରଙ୍ଗର ଅରୁଣ ବସ୍ତ୍ର ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଉଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସତୀସୀତା କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି କହିଛନ୍ତି ଏ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି କେଉଁଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ତିମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାରର ବିଧ୍ୱଂସୀ ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଆଣିଛ ନା ଏମିତି ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଏ କଥାଟାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ 19 ନମ୍ବର ମାଟି ମାଆର ପ୍ରାଣ କେଉଁପରି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି କେଉଁପରି ନା କଅଁଳ ପତ୍ର ପରି କମଳ ନାଇଁ କି କଅଁଳ ପତ୍ର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କହିଲା ସେ ଆମକୁ 20 ନମ୍ବରରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ତହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ଚଳେ ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ କେଉଁଠି ଅଛି ମହାଯଶ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ମଧୁ ତିଆରିଏ ମନ୍ଦିର ଚୌତରାରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା ଖରାବେଳେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲା କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଓକେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବାଉଁଶବାଡ଼ି କାହାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହାର ନା ବନ୍ଧୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଗାଳିପିକ ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ ମରଣୋତ୍ତର ସରଳ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ମରଣୋତ୍ତର ବୋଲେ କ'ଣ କିରେ ଯେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ସରଳ ପୁରସ୍କାରରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେ କହିବା କଥା କାହିଁକି ନା ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଧିଆ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅପସନ୍ ବି ନା ହଁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 23 ପାଇଁ ହଁ 24 ଶୁଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ଧୋ କାଠ ଗୋଦାମରେ କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଥିଲା କେତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେ କହିବା କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ 2 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଥିଲା କେହି ନେଉନଥିଲେ ତାକୁ କିଏ ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି କିଏ ନା ଲେଖକ ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ହଁ କି ନା ମାଂସ ମୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲେ ସିଏ ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ ହେବ ଆମର 26 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଳର ଘନକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧିନଦୀ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେଖାରେ ରହିପାରୁନି ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି କିଏ ସେ କିଏ ଶିଶୁ କିଏ ଧର୍ମା ନାଇଁ କି କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଲେ ନା ଏଥିପାଇଁ ତା'ର ବାଲାନ୍ସ ରହୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ଖସି ଯାଉଛି ଧର୍ମା ମରିଗଲେ ମୋର କିଛି ଧର୍ମା ମରିଗଲେ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ସବୁଦିନକୁ ଏ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ନିଜେ ଧର୍ମା କହିଥିଲେ ନାଇଁ କି କେଉଁଠି ଅଛି ଆନ୍ସର୍ ସେ ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ହଁ କି ନାଇଁ କାରିଗରୀ କୌଶଳରେ ରୂପର ଗାରିମାରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା ନା ନରସିଂହଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ନରସିଂହ ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ତୀର ମନ୍ଦିର ତଳିଆକୁ କାହାର ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କାହାର ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ 30 ନମ୍ବର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗ ତୀରର ଚୂଳବିହୀନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କିଏ ଏକାକୀ ପଦଚାରଣା କରୁଥିଲେ ଧର୍ମାର ବାପା କିଏ ସିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶୁ ମହାରଣା ଟେନସନ୍ରେ ବୁଲୁଥିଲେ କ'ଣ କଲେ ହେବ ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ହେନା ସବୁ କଥା ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ଏ ଭାଇ କି ମାମୁଁ ସା ଯାହା ଯାହା ବି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଯେତିକି ବି ଅଛି ତ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠି ସେ ବସିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବସିବ ଆରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟରେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ 32 ହେଲା ଋଣ ନ ହୋଇ ଋଣ ହୋଇଛି କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏ କଥା ସେ କହିଲା କାହିଁକି
ना एक पद मध्ये रु पर न थिले ता कोन होए कोन एटा एग्जाम जो जदि र पर न अछि देन तक सेटे कोन होए ना न होई कि हण होबो से ते ऑप्शन बी होचार राइट आंसर नेक्स्ट होचि 33 पई दुई बा ततधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्य रो समन्वय रे गठित वाक्य को आमे कोन कहिबा या कमे जटिल वाक्य बोली कहिबा ओके नेक्स्ट जीवा मोर 34 अर्जुन रचना वर्णना आदि शब्द रे न अण हला नै काहे कि अण हला नै काहे कि ना र परे एटे अन्य वर्ण रो व्यवधान थिबार एटे अण हला नाही से अर्जुन ही हेला वर्णना ही हेला नल वर्णना ही थांदा ठीक नै के एटा रचना ही थांदा जदि ये कोन जदि वर्ण रो व्यवधान थांता नै के जदि न थांता राइट 35 एथि मध्यरु केउठि एक संयोजक अव्यय नुहे संयोजक जुडा कि दुईटी खंड वाक्य को जुडे कि गटे संपूर्ण वाक्य रे परिणत करता को अव्यय पद बोले कुआ जाय ओके तो कोउथि पई हला नै से काहे कि एडा होच हमर ए रहइबो नै तो ई उ ओ जोडी पारे एवं जोडी पारे तथापि जोडी पारे किंतु काहे कि जोडीबो नै दुईटी खंड वाक्य को जोडीबो नै से नेक्स्ट दुई बा ततधिक सरल वाक्य रो समाहार जोगे गठित वाक्य को कौन कहा जाए ताको पर जोगिक वाक्य बोली कहा जाए ओके नेक्स्ट शुद्ध शब्द टी कोटा ए भितर 37 क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द कोटा भौगोलिक ना भूगोलिक ना एडा भौगोलिक एंती आइबो ओके भरे एंती सब रहइबो अरक्तिम यह केउ प्रकार अशुद्धि अरक्तिम ई हो छ हमरो तद्धितगत अशुद्धि नेक्स्ट अवसर्ण शब्द टी शुद्ध कर लिखिले कौन हेबो अवसर्ण ये हूँ आमर अवसर्ण हम न तले डबल न हो वाला अवसर्ण हम ना ये वाला न रही ना नेक्स्ट 40 नंबर प्रचेता प्रबा प्रसाद रुचि नील निरु अबा फुटी बाहुचि उद्रुति के अलंकार प्रयुक्त हो 40 नंबर कौट है प्रचेत प्रबल प्र 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 रही ना यहाँ उत्प्रेक्ष हम उत्प्रेक्ष अलंकार आमर यूज होके 42 केउं छंदरे प्रतिपादर तृतीय षष्ठ नवम एवं शेष अक्षर रे सॉरी अक्षर उपरे ज्योतिपाद हुए कोठी हुए ना नटवाणी रे ओके नौटी शब्द ज्योति रही थो ओके सब पड़ो ज्योतिपाद न नेक्स्ट आश्चर्य ए पृथ्वीर लीला खेला जेउठारे शांति सेठारे जोड़ा यह केउं छंदरे लिखित केउं छंदरे लिखित ये हूँ विभास केदार छंदरे लिखित 43 अमृत विनय वचन कही तसिब प्राणी मन यह केउं ग्रंथरु आसीचि केउं ग्रंथरु एटा होचे हमरो भागवतरु आसीचि ओके एटा सब नटवाणी लिखाई है भागवत से नौ नौटा एपट गोटे नौटा रपट मैं से नौटा वाक्य सरी नौटा वर्ड को नहीं हो नेक्स्ट कवितार पदगुड़िक गान कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपर जो विश्राम ने आम कौन कहा जाए आम ज्योतिपाद कहवाक पड़े मानने ज्योतिपाद गायक निज इच्छा अनुसार से रेस्ट नहीं गाइब ओके जहर जेसन तर से नीलय लोभ मोह माया होई बलय यह केउ छंदरे लिखित केउ छंदरे एडा होची विभास केदार ने यार अगर एमती गोटे क्वेश्चन जाए नेक्स्ट अर्थ को अपरिवर्तित रखी गोटे वाक्य को अन्य गोटे रूप से प्रकाश करागले ताकु वाक्यर ड्यास कहा जाए वाक्यर रूपांतर बोली कहा जाए मीनिंग बदलिबो नाही खाली तार लेखाटा बदलिबो नहीं माने कौन अर्थ बदलिबो नाही रे बाकी तार कौन हम ना तार रूपटा टे बदल नेक्स्ट जीवर परोक्ष उक्ति रे केउ अव्ययर व्यवहार होता है परोक्ष उक्ति बेलर कथ से कहला कौन ना बोली ओके वक्ता जहाँ करुंट तहार अबिकल अनुभूति घटले ताकु केउ उक्ति कहती ताको आम प्रत्यक्ष उक्ति जदि मो कथा जब किए कहले देन से इनडायरेक्ट स्पीच हम जब मुँह कहूँ देन से मोर डायरेक्ट स्पीच ओके नेक्स्ट साहित्य रे तांकर विशेष ज्ञान अछि वाक्यटी को संक्षेप रे प्रकाश कले कौन हेबो कौन हेबो साहित्य रे तांकर विशेष ज्ञान अछि तार अर्थ कौन ना से जण साहित्य विशेषज्ञ काम खत्म लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ए वीडियो रो मधुबाम को झियो अपर्णा मैट्रिक पढ़ुची
रेखांकित पदटी केउं पद कोडा रेखांकित पद एबित तो कोनसी पद को टणा जाय नै तथापि से कहिया कथा कोन मधुबाबुंको झियो ए होची मधुबाबुंको झियो हकिनी मनकर अपरा मैट्रिक पडछि किछि फरक पडछि कि नै किंतु मधुबाबुंको झियो ये कोन ना ये होचे एक संबंध पद ए अपूर्ण कहास संबंध अछि नै मधुबाबुंको सह संबंध अछि आ संबंध कोन रिलेशन कोन ना से होची त झियो ओके तो एडा होचे हमर संबंध मतलब रेखांकित पद बोले एडा थांता ओके ना आउ एटा कौन हम कि रे एटा हम ना से या को देखिके आम टाणी देचे ओके आई होप भिडियोटी बुझा पड़ा थैंक यू सो मच।